गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स के 45 डेज़ का पहला दिन, पहली एक्टिविटी हम अब शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, यानी खुश रहना। सी टुडेज़ एक्टिविटी, आपको इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, करना नहीं है, बट येस यू हैव टू थिंक, यू हैव टू राइट, बट नॉट टू मच। आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखने हैं, कुछ फ्रेजेस लिखने हैं दैट एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, जो आपकी खुशी का इजहार करते हैं। आपका जो पहली जो एक्टिविटी है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, और हम जब और चार दोस्तों के साथ मिलके आते हैं जो लोग भी खुश हैं, तब क्या होते हैं, सब सारे लोग एक साथ आने से, जो आपके दरमियान जो कोई सपोज अनहैप्पी है, कोई सैड है, कोई अपसेट है, वो भी क्या हो जाता है, आपके साथ खुश हो जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एवरीवेयर। सो हियर आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्लैडनेस। इसका मतलब वही है, खुशी हम कैसे जाहिर करते हैं, उसका इजहार कैसे कहते हैं। ट्राई टू रिवील सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, हमारी खुशी का सीक्रेट क्या है वो बताना है। एन्जॉय योर लिबर्टी ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड एंटरटेनमेंट। लिबर्टी यानी आज़ादी, हमें खुश रहने का पूरा हक है, राइट? और उसी तरीके से खुशी स्प्रेड करने का, सब जगह पे फैलाना करने का भी पूरी आप हमें का हमको क्या है, आज़ादी है। तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पर दिया गया है, देखो नीचे की एक्टिविटी कि दो सेंटेंस आपको बताए, जब हम खुश होते हैं हम कैसे रिएक्ट करते। फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई बताता है कि अरे वाह तुमने क्लास में टॉप कर दिया, तो क्या हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, हाँ अच्छी बात है, बेशक, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू विल बी वेरी हैप्पी, शायद आप जिस जगह पर बैठे हैं आप वहीं से जंप भी करेंगे खुशी के मारे। और उस वक्त जब आपको कोई भी अच्छी बात समझती है, डेफिनेटली आप उसको आसानी से एकदम आहिस्ता से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, वाओ, हुर्रे, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। इस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। सो यार आपकी लर्निंग एक्टिविटी में देखो दो सेंटेंसेस बताए गए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, जब हम मैच जीतते हैं तब हम जोश के साथ कहते हैं। सेकेंड, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, अगर आपको कोई सच में अचानक से शॉक देता है, गिफ्ट देता है, सरप्राइज देता है, तो आप चौंक जाते हैं, और अगर आप खुश है उससे तो डेफिनेटली हम ऐसे ही कहेंगे, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट? अभी उसी के हिसाब से आपको देखिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, सवाल कुछ पूछे गए हैं, जब आपका ग्रुप फॉर्म होगा। नाउ हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ग्रुप्स, बट स्टिल विदाउट दैट इमेजिन कि हम ग्रुप में है तो अब हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। पहला सवाल है आपको, व्हाट डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस डिड यू एक्सपीरियंस। जब हम इमेजिन करो कि आप लोग चार दोस्त, चार सहेलियाँ एक साथ आए हैं, सब जोक्स शेयर कर रहे, एक साथ एकदम आके आपका मूड फ्रेश हो गया, तो आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके जज्बात क्या रहेंगे, आपके इमोशंस क्या है जब आप एक साथ आते हैं खुश होते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने दिया है, देखो आपको लिखकर वही लिखना है नोटबुक में, हैप्पी, यू फील हैप्पी, खुश होते हैं, रिलैक्स्ड, आपका कोई भी टेंशन जो रहता है वो क्या होता है, आप उस वक्त के लिए भूल जाते हैं, आपको फ्रेश लगता है। सो योर फीलिंग्स आर हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड फ्रेश। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द वर्ड्स ऑफ इमोशन। तो जब हम ग्रुप में एक साथ बात करते हैं तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम हंसते हैं बेशक, उसके साथ कुछ वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते, जैसे यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया था, हुर्रे, वाओ, वैसे रहता है, नाइस, सुपर्ब, फंटास्टिक। व्हाट अदर वर्ड्स ऑफ जॉयफुल फीलिंग्स डू यू नो, तीसरा सवाल है, जिसके जवाब हम और भी ऐड कर सकते हैं, आप आजू बाजू में या टीवी पर भी सुनते हैं, अमेजिंग, कूल, फैंटाबुलस, ये भी कुछ आपके क्या है, एक्सप्रेस फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के वर्ड्स है। फिर उसके बाद चौथा सवाल है, व्हाई डिड यू एन्जॉय सच फीलिंग्स। तो जब हम दोस्तों के साथ आते हैं, हम खुश होते हैं, हमको ये फीलिंग्स, उस वक्त जो हमारे फीलिंग्स रहते हैं, जज्बात रहते हैं, वो हमको क्यों अच्छे लगते हैं, हम क्यों उसको एंजॉय करते हैं, क्यों उसका मज़ा लुफ्त उठाते हैं, बिकॉज हम उस वक्त खुश होते हैं, राइट? बिकॉज वी फील हैप्पी एट दैट टाइम। एंड द लास्ट इज़, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशंस। तो जब हम खुश होते हैं, हमारे साथ बाकी के हमारे फ्रेंड्स, हमारे आस पास रहने वाले लोग खुश होते हैं, इसमें से हम क्या सबक हासिल करते हैं, इसमें से हमको ये सबक मिलता है दैट वी मस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरी ईयर। हमको खुद भी खुश रहना है और हमारे चारों तरफ खुशियाँ फैलानी है। उसके नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, देखो कि फैसिलिटेटर
विल इंस्ट्रक्ट, यानी यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया है कि जैसे मैंने आपको ऊपर कुछ वर्ड्स बताइए कूल वाव सुपर्ब, वैसे ही आपको और खुद के 10 वर्ड्स ऑफ जॉयफुल इमोशंस आपको खुद लगने हैं, और अगर पॉसिबल है तो उसके सेंटेंसेस भी बनाने के, लाइक फॉर एग्जांपल वाव व्हाट अ नाइस ड्रेस, कूल वाइक, ऐसे कुछ भी आपको एक्सप्रेशन आपके खुद के, हमने जो ऊपर दिए हैं हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। एंड देन पैरेलल एक्टिविटी, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो हाई फ्रेंड्स टुडे आई वांट टू टेल यू सम गुड न्यूज़, लिसन टू द वर्क विच वॉज पेंडिंग फॉर सो मेनी ईयर्स इन आर एरिया इज कम्प्लीटेड नाउ एंड वेरी सून वी विल सी अ ह्यूज एंड ब्यूटिफुल गार्डन हियर, राइट। इस तरीके से ना आपने क्या किया है, एक खुशी की खबर सबको दी है कि आपके एरिया में गार्डन बन रहा है, जो काम बहुत सालों से पेंडिंग था। ऑफकोर्स आपके एरिया में गार्डन होना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी रिलैक्स होने के लिए एक अच्छी सही जगह है और एक अच्छा एटमोसफेयर वहाँ पर आपको मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से आप पैराग्राफ आप मत लिखिए चलेगा, लेकिन वो 10 सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपको 10 सेंटेंसेस बनाना मुश्किल लगता है तो यहाँ पर आपको कैसे ये नीचे पैराग्राफ लिख के दिया है इस तरीके से बना सकते, यही सेम स्ट्रक्चर लेना और चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल आई वांट टू से कि हमारे एरिया में एक नया मॉल शुरू होने वाला, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस न्यूज़, हमारे एरिया में अच्छी दुकानें हैं लेकिन मॉल नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ ओ हाई फ्रेंड्स टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू अ वेरी गुड न्यूज़, लिसन द वर्क विच वॉज पेंडिंग फॉर सो मेनी ईयर्स इन आर एरिया इज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड वेरी सून वी विल सी अ ह्यूज एंड ब्यूटिफुल मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर इन आर एरिया, राइट। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत फ्यू चेंजेस किए हैं मैंने और वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। सो लाइकवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल करके आपका खुद का पैराग्राफ बना सकते हैं। बट रिमेंबर हमको एक अच्छी बात बतानी है, राइट। सो हियर विल स्टॉप, आप ये 10 वर्ड्स, आपको मैंने इसके लिए 10 वर्ड्स दिए थे, ऊपर कुछ वर्ड्स भी दिए हैं उसका इस्तेमाल करो, लेकिन 10 सेंटेंसेस या फिर ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ आपको बनाने का है। ओके, अल्लाह हाफिज़।